नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। जनपद ललितपुर में एक बरसों पुरानी चिटफंड कंपनी में लोगों का करोड़ों रुपया एजेंटों के माध्यम से जमा कराया गया है, लेकिन अब यह चिटफंड कंपनी अपने जमाकर्ताओं का रुपया वापस करने का नाम नहीं ले रही है। चिटफंड कंपनी द्वारा जमाकर्ताओं का रुपया समय पर ना मिलने के कारण कंपनी के एजेंटों से आए दिन जमाकर्ताओं की झड़प होती रहती है। ऐसा ही एक मामला आज जनपद ललितपुर के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आया, जहां कंपनी के एक एजेंट राम कुमार साहू पुत्र श्री गणेश प्रसाद साहू मोहल्ला तालाबपुरा डोडाघाट जनपद ललितपुर ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह ललितपुर में बरसों से जमी एक चिटफंड कंपनी में पिछले 10 वर्षों से एजेंट के रूप में काम कर रहा है और उसके द्वारा कंपनी की विभिन्न योजनाओं में ललितपुर के कई लोगों का करीब 1 करोड़ रुपया जमा कराया गया है। पिछले 2 साल से कंपनी द्वारा जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जब भी कंपनी से भुगतान के लिए कहा जाता है तो कंपनी आजकल का कहकर टाल देती है। इस प्रकार 2 साल से भी अधिक समय हो गया है और कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। एजेंट ने बताया कि वह ललितपुर कार्यालय के शाखा प्रबंधक समेत कंपनी के कई उच्च अधिकारियों से शिकायत कर चुका है, बावजूद इसके अभी तक किसी भी जमाकर्ता का रुपया वापस नहीं किया गया। उस पर जमाकर्ताओं का दबाव है। एजेंट रामकुमार साहू ने पुलिस अधीक्षक से कंपनी के कुछ अधिकारियों समेत कंपनी पर कार्रवाई की मांग करते हुए जमाकर्ताओं का रुपया वापस दिलाए जाने की मांग की है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। किस चीज़ का आप क्या करना है? महोदय, मैं सहारा इंडिया का एक एजेंट हूँ। लगभग 10 वर्षों से मैं कार्य कर रहा था, लेकिन विगत 2-3 वर्षों से भुगतान के लिए बहुत ही परेशान किया जा रहा है। बार बार चक्कर लगाने पर भी पेमेंट नहीं किया जा रहा है। मेरे जमाकर्ताओं का मुझ पर दबाव है, जिसके कारण मैं माननीय SP साहब के पास प्रार्थना पत्र लेकर आया हूँ, जिससे मेरे सभी लगभग 1 करोड़ रुपए का भुगतान है। मेरे निर्णय जाते क्या बोलते हैं आप? मैं एजेंट हूँ तो मेरे जमाकर्ता मुझ पर दबाव डालते हैं। मैं ऑफिस में जाता हूँ तो वो ये कहते हैं अभी हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा, जून में हो जाएगा। इस तरह से समय निकालते निकालते कम से कम 2 साल, 1 साल, 1.5 साल का समय निकाल दिया है, लेकिन मेरा भुगतान नहीं किया जा रहा। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है मेरे समस्त जमाकर्ताओं का भुगतान शीघ्र कर दिया जाए। क्या नाम है? किस पद पर है? सेक्टर पालर सार इंडिया ललितपुर सेक्टर में नीचे पद पर जी। आपके एजेंटों ने आज कप्तान साहब के यहाँ आपकी कंपनी पर और आप पर जी पैसा ना भुगतान करने का आरोप लगाया है, क्या कहना है? कुछ सहारा सेवी का विवाद चल रहा है, जिसके समस्त संपत्तियों पर एम्बार्गो लगा हुआ। अभी हम लोग बेचेंगे जी तो वो पैसा सहारा सेवी अकाउंट में चला जाएगा। और कंपनी ने आश्वासन दिया 7 और 8 मई को सहारा के जितने भी न्यूज चैनल थे उससे जमाकर्ता को हाथ जोड़ से निवेदन किया है कि जुलाई से सितंबर के बीच कभी भी हम भुगतान कर सकते हैं, क्योंकि 14,700 करोड़ इसराइल से हम लोगों का आया हुआ है और वो विदेशी कंपनी का पैसा, विदेश से पैसा जो आया है इंडियन करेंसी में चेंज होगा। जैसे लीगल प्रक्रिया पूरी होगी तत्काल लेट के साथ ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। कितना समय लगेगा? ज़्यादा 3 से 4 महीने, बसाते इस बीच में कोई कोरोना की लॉकडाउन वगैरह की कोई परिस्थिति ना बने। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।